फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है सभी को मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी फिलहाल सुबह के 7:30 हो रहे हैं, मैं 7 बजे से उठी हुई हूँ और आधे घंटे हम अभी पैकिंग ही कर रहे हैं इधर उधर। अब आप लोग सोच रहे हो कि पैकिंग कर रहे हैं, तो सिंपल से जवाब है कि आज हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। मतलब एग्जाम्स खत्म हो गए ना, तो हम नानी के घर जाके मजे करेंगे, तो वही है। और अभी हम लोग कर रहे थे फिलहाल सुबह से पैकिंग, तो फिलहाल पैकिंग का सामान पूरा फैल चुका है। ये मम्मी की दवाई है वगैरह, और कुछ बुक्स ले जा रही है मम्मी सिद्धि के लिए, क्योंकि सिद्धि वहाँ पर थोड़ा पढ़ ही लेगी, क्या पता। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि करेगी, मगर फिर भी। हम लोग नानी और कल को मिठाई वगैरह लेके आए थे, और थोड़े चिप्स और नमकीन लेके आए थे, तो वो भी ले जाएंगे। अभी अभी जस्ट मैं बाहर आई हूँ, मतलब थोड़ा मैंने मुँह हाथ धोया है, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए फटाफट से, क्योंकि देखो आज है संडे और आज डैडी की छुट्टी है। वैसे हम सोच रहे थे कि मंडे को चलते हैं, क्योंकि देखो कल को पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, और क्या कहते हैं आज थोड़ा सा मतलब वही होती है ना थकान सी, तो मैं सोच रही थी मंडे को चलते हैं, मगर मम्मी ने कहा कि मंडे को डैडी छुट्टी नहीं करेंगे, तो हम कह रहे थे कि चलो संडे को ही चलते हैं फिर। अभी अभी आई अंदर से थोड़ा बाहर, थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए, और अंदर तो अभी फिलहाल पैकिंग वैकिंग चल रही है कपड़े वपड़ों की। अभी दिखाऊंगी आप सभी को, पूरा फैल चुका है अभी कमरा, मतलब 3 बैग हो चुके हैं ऑलरेडी, और 1 बैग और होगा कपड़ों का, ठीक है, तो 4 बैग, तो 4 बैग हो चुके हैं। तो खैर मैं जो करती हूँ फटाफट से ब्रश, और फिर हम लोग खाएंगे थोड़ी बहुत मैगी वैगी, क्योंकि देखो थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो भूख लग जाती है यार, अब इसी ट्रैवल का थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए मैगी खा लेते हैं। चलो अभी फिलहाल ब्रश करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही था कि बहुत ज़्यादा सामान फैल चुका है, और मतलब ये सब सामान अभी हम बैग में डाल रहे हैं, तो पूरा बिस्तरा भी फैला था, देखो कितना गंदा लग रहा है बिस्तरा। भूल ही गई थी कि लैपटॉप का चार्जर वगैरह भी ले जाना है, तो मैंने फटाफट से निकाल दिया है और अभी इसे भी अपने बैग में। लोग यहाँ पे थोड़ा मैगी बना रहे हैं क्योंकि भूख लग जाती है रास्ते में, और मैंने थोड़ी चाप भी निकलवा ली, चाप भी खाएंगे मैगी के साथ। चाप इतनी टेस्टी हो रही थी ना, तो मैंने उसे एक और बार निकलवा ली कि अब मैं एक और बार खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और वैसे चाप टेस्टी हो रही थी। फिलहाल मैगी बना दी और थोड़े से सोया चाप मैंने गर्म करके साइड में ले लिया अपने लिए, तो अब मैगी और सोया चाप खाएंगे साथ में। ये देखो कितनी मस्त लग रही है। अभी फिलहाल 9:45 हो चुके हैं, मैगी वैगी खा के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी हम लोग फिलहाल रेडी हैं जाने के लिए, क्योंकि देखो मतलब मैगी खाने के बाद ना मैंने बाल बाल बनाया और जैकेट वैकेट मैंने चेंज कर ली अपनी, तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। और अभी सब कुछ सामान पैक हो चुका है, अभी सब कुछ दिखा दिया। अभी तो ये बैग है जो लेके जाना है, जिसमें लैपटॉप वगैरह है, और एक मतलब 2-3 बैग और है, वो तो डैडी ले गए नीचे, तो वो स्कूटी में रख के फिर और रिक्शे में रख के चलेंगे। दीदी भी रेडी हो चुकी है, इसके पास भी एक बैग पड़ा हुआ है, ये पिंक वाला जो कि इसका फेवरेट बैग है, तो इसने ये टांगा हुआ है। दीदी के कहने पे मम्मी ने देखो यहाँ पे नई वाली जो एक की रिंग लेके आई थी मम्मी, तो की रिंग भी लगा दी यहाँ पे दीदी के कहने पे। फटाफट से जूते वूते पहनते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा कहीं, लेट तो क्या हमारा यही प्लान था कि थोड़ा लेट ही निकलेंगे, क्योंकि आज संडे ही है, तो फटाफट से पहले जूते वूते पहनते हैं। सिद्धि जा रही है डैडी के साथ, और मैं जाऊँगी मम्मी के साथ रिक्शा में थोड़ा बैग वैग लेके जाने का, तो फटाफट से चलते हैं। देखो कितनी मस्त वाली हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कि जैकेट में ज़्यादा देर तक पहनूंगी, उतार दूंगी मैं अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो। A few moments later. सिद्धि की तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, 1 लाइक इज इक्वल टू सिद्धि के लिए प्रे। मेरे चिप्स चोरी हो रहे हैं, अबे दे ना। 3 hours later. ये पहुंच चुके हैं इतना संघर्ष करके, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के घर। एकदम संघर्ष करके भाई, 1 घंटे का संघर्ष करके। ये लो आप लोग के गिफ्ट, गिफ्ट ये देखो नानी और के लिए क्या लेके आया, मिठाई और वो नमकीन जो नानी और को पसंद है, देखो ट्रायंगल वाली नानी स्पेशल। हाँ, और देखो नानी ने वाले राजमा भी बनाया। सिद्धि ने भी स्टार्ट कर दिया खाना, और उसकी आज तबीयत खराब हुई थी, मैं तो बच गई थी आज। तो सिद्धि कैसा लग रहा है आज तबीयत खराब करके? तो ऑब्वियसली गंदा ही लगेगा, मेरे को भी बहुत गंदा लगता है। खैर मैं अभी फटाफट अपना खाना शुरू करती हूँ क्योंकि भूख लगी है, पता नहीं। तो अभी हम लोग, मैंने खाना वाना खा लिया ठीक है, और यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हो रही थी, तो मैंने अपने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिया हाथ में धो के। और क्या कहते हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं छत में, और मैं आपको दिखाती हूँ एक मस्त वाली चीज़। हाँ देखो कितनी मस्त चीज़ बन रही है छत में, मतलब छत के ऊपर हम लोग एक फार्म हाउस टाइप बना रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा ये कैमरे में आने ना, मैं थोड़ी पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ तो ये देखो एक फार्म हाउस टाइप बन रहा है, अभी इसके अंदर मैं गृह प्रवेश करके थोड़ा बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, अभी अंदर पूरी छत अभी बनी नहीं है, और खिड़कियों के लिए पैनल्स छोड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं दरवाजे के लिए एक पैनल छोड़ा हुआ है, और बाकी देखो कितना बड़ा सा एरिया है ये,
मस्त एकदम। तो जो सीढ़ी जा रही थी ना ऊपर की तरफ से, उसको निकाल के वहाँ साइड में रख दी हमने। अब इस सीढ़ी को जो है ना हम इधर की साइड से लगाएंगे, सामने की साइड से। कि फिलहाल छत का हाल कुछ इस तरीके से है, मतलब सब कुछ फैल रखा है। जस्ट अभी आई ऊपर से वो फार्म हाउस देख के, काफ़ी मस्त लग रहा था, मतलब बहुत बड़ा सा था। और नानी ने सब कुछ मतलब पार्टीशन करके बता दिया कि पार्टीशन करके कैसे कैसे बनेगा, तो उस हिसाब से तो काफ़ी मतलब सही लग रहा था। और अभी अभी जस्ट मैं नीचे आ चुकी हूँ, और मैंने क्योंकि अभी नोटिस करा कि इस फ़ोन की बैटरी 35% है, 35 सुबह 100% थी। तो आज का वीडियो मुझे लगता है आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना वो फार्म हाउस कैसे लगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही मस्त लगा। आप लोग बताना आपको कैसे लगा। बाकी अभी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल को डालूंगी एक और ब्लॉग शायद, मतलब अगर मेरे को टाइम मिला तो। या मिलते हैं कल को, तब तक के लिए गुड नाइट।